गाइस आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो फेक फ्रैंकलिन सामने की तरफ ही है, बाहर की तरफ खड़ा है वो। सच में गाइस यही अच्छा बोका है, आज मैं उसे ना मार डालूंगा। पहले तो मैं देख लेता हूँ। ओके वो उस साइड पर खड़ा है और मोबाइल यूज कर रहा है। वो तीनों तो नीचे ही है। जल्दी से मुझे अपने बॉस को टेक्स्ट करना होगा कि काम हो चुका है, फ्रैंकलिन के इस पूरे घर पर मेरा ही कब्जा होगा और उन लोगों को पता नहीं है कि मैं फेक फ्रैंकलिन हूँ। गाइस ये किसकी साजिश हो सकती है, ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। इसको मारने से पहले मुझे जाकर देखना होगा सेन चैन, किंग चैन और चॉप को कि वो तीनों कहाँ पर हैं। कहीं पर मैं इसे मार रहा हूँ और वो तीनों देख ले तो फिर तो मुसीबत पड़ जाएगी। अरे मुझे जाना होगा, जाकर देखना होगा। ओके भागकर तो इस साइड पर आ चुका हूँ। अरे वो तीनों तो सामने की तरफ ही हैं। कहीं सच में ना यही अच्छा मौका है, इस तरह का मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। अरे सच में चॉप मैं तुझे क्या बताऊं, और किंग चैन तुझे पता नहीं है हमारे फ्रैंकलिन भैया कितने ही ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। जो भी चीज हम उनसे मांगते हैं वो तो फौरन से ला कर देते हैं। इतने अच्छे फ्रैंकलिन भैया हैं हमारे। आज भी तो फ्रैंकलिन भैया ने वादा किया हुआ है, बस वो बाहर गए हैं। वो आते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं घूमने के लिए और कुछ खाने पीने के लिए भी। हमारी लाइफ तो सेट हो गई। सच में शिन चैन कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि हमारे ये असली फ्रैंकलिन भैया है। कहीं पर हम लोग ना नकली फ्रैंकलिन भैया को असली फ्रैंकलिन भैया तो नहीं समझ बैठे। अरे हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि फ्रैंकलिन भैया एकदम से इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। वैसे हमें एक दफा जाकर ना फ्रैंकलिन भैया का पीछा तो जरूर करना चाहिए। अगर हमने ना असली फ्रैंकलिन भैया का घर से बाहर निकाल दिया तो उनके सत्य कितना ही ज्यादा बुरा हुआ होगा। चलो गाइस आज के बाद ना इन लोगों को ना शक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस नकली फ्रैंकलिन को ना ऐसा ठिकाने लगाने लगा हूं ना कि वो कभी होश में नहीं आ पाएगा। गाइस उसकी हालत आज से ऐसी होने वाली है ना कि आप लोगों ने सोच ना रखी होगी। पहले गाइस मैंने ये डंडा तो उठा लिया, अब वो अपने मोबाइल के अंदर लगा हुआ है किसी के साथ चैट पे। मुझे आराम आराम से जाना पड़ेगा। ओके वो वहीं पर देख रहा है। बच्चू तू वहीं पर देखता रहा, अब देख तेरा क्या होता है। ये मारा खतरनाक किस्म का डंडा इसके सर पे। ओके गाइस ये तो बेहोश हो चुका है। यही अच्छा मौका है, इससे पहले सेन चैन, किंग चैन और चॉप ऊपर आए मुझे इसे घसीट कर लेकर जाना होगा इस गैराज के अंदर, उसके बाद मैं इसका डोर लॉक कर दूंगा। ओके घसीट कर ले जा चुका हूँ और इस जगह पर रखना होगा मुझे इसे। ओके फाइनली गाइस ये पड़ा हुआ है सामने की तरफ। अब आप लोगों को पता है मुझे क्या करना होगा। जल्दी से गाइस मैं इसके कपड़े पहन लेता हूँ ताकि उन लोगों को शक ना हो, और फिर मैं इसे अपने कपड़े पहना दूंगा। गाइस जल्दी से पहन लेते हैं। ओके गाइस अब लग रहा हूँ ना मैं, अब ये नकली फ्रैंकलिन हमेशा इसी गैराज के अंदर बंद रहेगा। लेकिन कहीं पर इसने होश में आकर आवाज दे दी तो गाइस एक आइडिया है मेरे पास। मैं जाऊंगा इन तीनों के पास नीचे, सेन चैन, किंग चैन और चॉप के पास, और इन लोगों को बोलूंगा कि नकली फ्रैंकलिन को ना मैंने बेहोश करके ना गैराज में बंद कर रखा है, और फिर गाइस इसकी जो शामत होगी ना वो मजे से होगी। जल्दी से नीचे चलता हूँ। ओके ये रहे तीनों, सेन चैन, किंग चैन और चॉप। अरे हाँ सेन चैन, किंग चैन और चॉप, क्या चल रहा है तुम तीनों यहाँ पर खड़े हो? मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा था। अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया, हम लोग तो यहीं पर खड़े थे, आपने बोला कि आपको अर्जेंट कॉल करनी है, आप बाहर चले गए। हाँ 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 मुझे याद आ गया। अच्छा तुम लोगों का क्या प्लान है फिर? फ्रैंकलिन भैया आप ही ने तो बोला था कि आप अबे घुमाने के लिए लेकर जाओगे, इसलिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं और अच्छा खाना भी खाएंगे। हाँ मुझे भी तो जाना है, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन हमें स्कूल से छुट्टी क्यों करवाते हो फ्रैंकलिन भैया आप, हमारी तो स्टडी खराब हो रही है इसे। ओके कल से तुम लोगों की छुट्टे बंद एकदम से, और तुम लोग दोबारा से स्कूल जाओगे। ओके और रही बात घुमाने की, तो देखो मेरा मूड नहीं है तुम लोगों को आज घुमाने का, थोड़ा सा मेरा अर्जेंट काम भी है, वो भी मुझे पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो करना है। और हाँ एक और बात जो मैंने तुम लोगों को बतानी है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, मैंने नकली फ्रैंकलिन को मार कर ना बेहोश कर दिया है। उसके सर पे इतने जोर से डंडा लगा है और वो ऊपर गैराज के अंदर बंद है, उसे खोलना नहीं तुम लोग, क्योंकि मुझे उसे पुलिस के हवाले करना है। अब तुम लोगों को पता तो है ही उसने कितना ज्यादा ना हम लोगों को तंग करके रखा है। एक मिनट ये मैं क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ये कौन आ गया अपने घर के अंदर? कहीं पर मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, ये तो थेनोस है। अबे मैं इन लोगों को बता रहा था आगे से थेनोस आ गया। लगता है गाइस कहीं पर उस नकली फ्रैंकलिन ने थेनोस को तो नहीं बुला लिया कॉल करके। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पूछना पड़ेगा इससे। अरे क्या हुआ थेनोस तुझे, तू यहाँ पर क्यों? देखो फ्रैंकलिन शहर के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, तुम्हें नहीं पता कि इस शहर के अंदर आ चुका है किंग कॉन्ग, जो कि इतना ही ज्यादा खतरनाक है कि वो चारों तरफ तबाही मचा रहा है। उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसे कोई भी सुपर हीरो नहीं रोक सकता। तुम्हें पता है किंग कॉन्ग मुझे ही ढूंढ रहा है, वो मुझे ही मारना चाहता है, पर मैं फ्यूचर थेनोस हूँ, मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ। मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की पर उसे रोक नहीं पाया, अगर मैं उसके हत्थे चढ़ जाता हूँ तो वो मुझे कुचल डालेगा, वो साइज में भी काफी ज्यादा बड़ा है और पावरफुल भी। बस अब मुझे लगता है तुम्हें ही हमारी मदद करनी पड़ेगी, तुम ही हो जो इस किंग कॉन्ग को रोक सकते हो। यार एक नई मुसीबत, अबे अपनी
कंपनी लॉस सैंटोस की सिटी के अंदर ये ऐसी आफतें क्यों आती रहती हैं? देख यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम किसी और सुपर हीरो के पास जाओ और उससे मदद मांगो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। देखो, मैं सारे सुपर हीरो के पास गया, सब सुपर हीरो ने मिलकर उसे रोकने की पूरी कोशिश की है, पर वो किसी के भी हत्थे नहीं आ रहा। देखो, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। मेरे पास थेनोस का एक सूट है जो मैं तुम्हें देता हूँ, और तुम्हें उस सूट को अपग्रेड करना होगा। उस सूट को अपग्रेड करने के बाद ही तुम उस किंग कॉन्ग को मार सकते हो। देखो, ये मैं खुद भी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास इतनी पावर और इतनी एनर्जी नहीं रही कि मैं जाकर उन सूट को बाय कर सकूं। और मुझे सब सुपर हीरो ने यही बताया है कि तुम आसानी से उन सूट को बाय कर लेते हो, तो अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। देखो, सोचने का कोई वक्त नहीं है, टाइम हमारे पास काफी ज्यादा कम है। ओके गाइस, इसने थाने लिया, अब ये पीछे हटेगा नहीं। मुझे लगता है ना, मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी गाइस, अगर मैं गया तो कहीं पर वो जो नकली फ्रैंकलिन है वो शिनचैन, किंगचैन और चोप को सब कुछ बता ना दे और फिर से ये उसे असली फ्रैंकलिन समझना शुरू हो जाए। नहीं गाइस, मैंने पक्का बंदोबस्त करके रखा है, ऐसा नहीं होगा। ओके ठीक है, फिर थानोस मुझे अपना वो सूट दे दे, बाकी कहा मेरा के मुझे क्या करना है। ओके फिर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ये थानोस का सूट देने वाला हूँ। ओके यार गाइस, ये थानोस का सूट मुझे मिल चुका है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा डिफरेंट सूट है। अब ये तो छोटा भी है थानोस, मैं तो तेरे ना कंधे तक नहीं पहुंच पा रहा, पर मैं इस सूट को अपग्रेड कैसे करूंगा ये समझ नहीं आ रही मुझे। अब देखो, ये है थानोस का साइज स्टोर, तुम्हें इस स्टोर के अंदर ही जाना होगा। ये रहे बाकी सूट, तुम्हें इनमें से एक एक सूट में अपग्रेड होना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम उस किंग कॉन्ग को मार सकते हो। ओके ठीक है, फिर मिशन कम्प्लीट होकर ही आएगा। अब तो चलते हैं गाइस, मुझे लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आगे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। ठीक है थानोस, अब तू अपना ख्याल रखना, और शिनचैन किंगचैन चॉप तुम लोग वेट करना, बस मैं होकर आया। ओके मुझे जाना होगा अब। अब मुझे ना यहाँ पर थानोस के सूट को बाय करना है, तो जल्दी से भाग कर निकलते हैं। फाइनली गाइस, भाग कर तो मैं इस साइड पर पहुंच चुका हूँ। एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, इतनी ढेर सारी पुलिस खड़ी है और पुलिस के बीच में ये कौन खड़ा है? ये तो मुझे सुपरमैन जैसा लग रहा है। एक मिनट, कहीं पर ये एविल सुपरमैन तो नहीं? गाइस लगता है ये एविल सुपरमैन ही है, पर ये क्या कर रहा है, हो क्या रहा है? मुझे यहाँ पर छुपना पड़ेगा और छुपकर इन लोगों की बातें सुननी होगी। देखो एविल सुपरमैन, तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, हम लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, बच कर तो तुम कहीं पर नहीं जा पाओगी। जो तुमने बैंक से पैसा लूटा है वो हमें लुटा दो, वरना हमारे हाथों से मारे जाओगे तुम। अरे ये क्या, तुम लोग बच्चे की तरह मुझे डरावा दे रहे हो। एविल सुपरमैन, तुम लोगों की बुलेट का कोई असर नहीं आने वाला, और मैं तुम लोगों की आंखों के पास से गुजर जाऊंगा, लेकिन तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। इतने लोगों के सामने मैंने बैंक लूट लिया, वहाँ पर भी मुझे कहीं रोक नहीं पाया, तो तुम किस खेत की मूली हो? मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अबे यार बेगी, क्या देख रहा हूँ? गाइस ये एविल सुपरमैन तो गाड़ी में निकल रहा है, अबे वैन में भगाया इसने, और पुलिस वाले को भी ठोका बुरे तरीके से, ये तो निकल जाएगा यहाँ से। मुझे लगता है इन पुलिस वालों से पूछना पड़ेगा। अरे वो भाग कर निकला, तुम लोग उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे? देखो हम लोग उसका पीछा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर बुलेट का असर नहीं होगा, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें इसे रोकना होगा वरना पुलिस वाले हमें सस्पेंड कर देंगे। ओके यार, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मुझे गाड़ी को घुमाना होगा। गाइस ये गाड़ी घुमाई और जल्दी से निकलते हैं, वो इतना दूर गया नहीं होगा अभी तक, अभी तो आंखों के सामने था, गोली की तरह निकला वो यहाँ से। गाइस इसी साइड से भगा कर गया होगा, उसकी गाड़ी के टायरों के निशान तो मुझे नजर आ ही जाएंगे। ओके मैं गाड़ी भगा कर तो पहुंच चुका हूँ, ये सामने की तरफ रही उसकी वैन। गाइस उतर चुका हूँ और ये तो इस साइड पर रुका हुआ है। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने बैंक से पैसे लूटे हैं, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा मैं तुझे। अबे ये कौन है? ये तो थानोस नजर आता है। देख थानोस, तू मेरे रास्ते में मत आ, ये पैसा मेरा है और मैंने बैंक से लूटा है, पुलिस वाले जाने और मैं जानू। देख बुरे काम का तो बुरा नतीजा ही होता है, और तुझे ये नहीं पता इस थानोस के सूट के अंदर है कौन? अरे तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ओके गाइस, ये तो मेरे को पीटने शुरू हो चुका है, अबे बात से मसला हल नहीं हो सकता था क्या? लगता है मेरे सूट के अंदर थोड़ी बहुत पावर तो होगी। ओके इस सूट के अंदर भी पावर है गाइस। अरे छुपी हुई पावर थी, मुझे पता नहीं था, अब मैं भी इसे मारता हूँ पंच। अब तू मेरे पंच का काफी जोरदार। गाइस करके तो इसे मारना ही होगा, पुलिस वाले पीछा नहीं कर पाएंगे, इसकी वैन में तो पैसे भी थे। ओके गाइस मार रहा हूँ मैं इसे, मार मार के तो मैं इस साइड पर लेकर आ चुका हूँ। और ये क्या हुआ गाइस? लगता है ये मर चुका है। वैसे गाइस मेरी पावर से पूरा पेट्रोल पंप जलकर राख हो चुका है, जल्दी से भाग कर जाना होगा। ओके गाइस भाग कर तो हम लोग इस साइड पर पहुंच चुके हैं, वैन को क्या हाल कर दिया इस एविल सुपरमैन ने, लेकिन पैसों को कुछ नहीं हुआ है, मुझे लगता है इन पैसों को कलेक्ट कर लेना चाहिए। ओके गाइस पैसे तो मेरे कलेक्ट कर लिया, और ये पूरे $1,000। मुझे लगता है गाइस थानोस का साइज स्टोर ओपन करना चाहिए, उसमें तो $1,000 का कोई ना कोई सूट तो होगा ही, लेकिन उससे पहले मुझे भाग कर जाना होगा सामने की तरफ। ये रोड पार करते हैं और सामने सेफ जगह नजर आ रही है मुझे। ऑफ गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, ये रही सेफ जगह, अब ओपन करते हैं थानोस का
का साइड स्टोर गाइस ओपन कर लिया है मैंने और ये रहा $1,000 का सूट। करते हैं क्लिक एंड बाय। ओके गाइस ये सूट मैंने बाय कर लिया है, कितना ही ज्यादा अमेजिंग है, अब तो मैं सही तरह थानोस की तरह लग रहा हूँ। इस सूट के अंदर तो थोड़ी बहुत पावर भी होगी, मुझे भाग कर जाना होगा। क्या ही खतरनाक पावर है गाइस। अरे मजा आ गया, पहले वाले सूट के अंदर तो इतनी पावर नहीं थी, इसमें तो मैं काफी बड़ा जंप भी कर सकता हूँ। अरे भागना होगा, क्या ही जोरदार जंप किया और मैं सिटी के ना इस तरफ पहुंच चुका हूँ। आगे भाग कर जाते हैं। एक मिनट, ये क्या देख रहा हूँ मैं सामने की तरफ, ऐसा क्यों लग रहा है कोई चैलेंज वगैरह रखा गया है, मुझे जाकर देखना होगा। गाइस ये तो सुपर हीरो है, स्पाइडरमैन है, थोर है और हल्क। सुपर हीरो का चैलेंज होने वाला है क्या, ये चैलेंज किसने अनाउंस करवाया है, और स्वप्न की तरफ टोनी स्टार। गाइस ये तो कार रेसिंग चैलेंज है गाइस, मुझे लगता है ना मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर ये रेसिंग चैलेंज मैं सुपर हीरो से जीत जाता हूँ तो काफी पैसे मिलेंगे। देखो टोनी, मैं अभी इस चैलेंज के अंदर खेलना चाहता हूँ। हल्क को गुस्सा आ रहा है, ये थानोस कैसे आ गया हम लोगों के बीच में, ये सुपर हीरो का चैलेंज है, ये तो विलन है। अबे देख हल्क, मैं विलन नहीं, मैं फ्रैंकलिन हूँ, बाकी कहानी टोनी स्टार को सारी पता होगी। देखो फ्रैंकलिन, मुझे सब कुछ बता दिया था जार्विस ने, और जो तुम्हारे पास आया था वो फ्यूचर थानोस था, वो हमसे भी मदद मांगने आया था पर हम सुपर हीरोज की मदद नहीं कर पाए। किंग कॉन्ग काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है तुम्हें अगर पैसे जीतने हैं तो तुम्हें ये चैलेंज खेलना होगा, और ये चैलेंज खेलकर ही तुम इस पैसे को जीत सकते हो। तो जल्दी से इन सारे सुपर हीरो के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि एक ही सुपर हीरो की कमी थी और वो तुम ही हो। लगता है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस चैलेंज को स्टार्ट करना चाहिए, अब सारे जन पूरे हो चुके हैं। ओके गाइस चैलेंज शुरू होने वाला है कार रेसिंग का। ओके ये लोग तो बैठ चुके हैं, मुझे भी जल्दी से बैठना होगा। अरे ये क्या, ये लोग तो गाड़ियां भगा रहे हैं काफी तेज तरीके से, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, मेरे को भी अपनी गाड़ी को बूझ देना होगा। सबसे पहले तो थोरी की निकली गाड़ी आगे, लेकिन उससे भी आगे मैं निकल चुका हूँ। बच्चा लोग आ जाओ मेरे पीछे, तुम लोग पहुँच नहीं पाओगे मुझे। क्या ही मजा आ रहा है मुझे। गाइस उनकी गाड़ियां तो काफी ज्यादा पीछे हैं। एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ, गाड़ी तो भगा ही रहा हूँ, लगता है ना फिनिश पॉइंट वो सामने की तरफ ही है, इतना दूर नहीं है। अरे गाइस वाकई में मैं पहुँचने ही वाला हूँ, गाइस जल्दी से पहुँचने वाले हम लोग, और पहुँच चुका हूँ मैं फिनिश पॉइंट पर। ओके ये चैलेंज मैंने जीत लिया। गाइस बाकी सुपर हीरो के मुंह देखना, कैसे ही मुंह बने होंगे। अरे क्या ही जोर जोर से गाड़ियां ठोकी इन लोगों ने। फाइनली फिनिश पॉइंट पर तो ये पैसे रखे गए हैं, और इन लोगों को पता है सबसे पहले मैं ही इंटर हुआ हूँ, तो जल्दी से इस पैसे को कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अरे तो लोगों को कैसा रहा, मजा आया ना गाइस, जल्दी से कलेक्ट करते हैं पैसे। ओके मेरे अकाउंट में पूरे $10,000 आ चुके हैं, और गाइस ये काफी ज्यादा है, मुझे लगता है ना मैं नेक्स्ट सूट बाय कर सकता हूँ थानोस का साइज स्टोर से। तो जल्दी से देखते हैं कोई सेफ जगह। ओके अपना बहुत सारा ख्याल रखना तुम लोग, मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। गाइस ओके बाकर तो मैं इस साइड पर आ चुका हूँ, ये जगह काफी ज्यादा सेफ है, तो मुझे लगता है ना थानोस का ना मुझे साइज स्टोर ओपन कर लेना चाहिए। ओके ओपन कर लेते हैं और देखते हैं $10,000 का। तो ये रहा वो सूट, जल्दी से क्लिक किया और बाय। ओके गाइस ये वाला तो सूट मेरे बॉय कर लिया है, वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग सूट है, अबे देखने में तो ऐसा लग रहा पावर भी होनी चाहिए इसे। गाइस मुझे लगता है ना पावर होगी इस सूट के अंदर, काफी ज्यादा मजा आ रहा है मुझे तो। ओके जाना पड़ेगा। एक मिनट यार, अब ये किसकी कॉल आ रही है, जैसे ही मैं जाने लगा हूँ किसी ना किसी की कॉल आ ही जाती है। अबे गाइस ये तो थानोस की कॉल है। अबे हाँ बोल थानोस। देखो फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से उस लोकेशन पर पहुँचो। उस लोकेशन पर एक चैलेंज रखा गया है, वो है रैंप चैलेंज, अगर तुम उस चैलेंज को जीत जाते हो तो तुम्हें पूरे $1,00,000 मिलेंगे, जल्दी से वो चैलेंज खेलकर तुम जीत लो। ओके यार इसलिए कॉल की थी थानोस तूने, मैं तो डर ही गया था। ओके ठीक है पहुंचता हूँ मैं उस चैलेंज पर। गाइस मेरे को ना यहाँ से जाना होगा। गाइस जाते हैं यहाँ से और देखते हैं कि कौन सा चैलेंज है, बाहर निकलते हैं। ओके फाइनली गाइस मैं इस चैलेंज पर पहुंच चुका हूँ, और ये चैलेंज किसने अनाउंस करवाया है, ये तो कोई गैंग खड़ी है सामने की तरफ। अपन लोगों को जाना होगा और पता करना होगा। ओके मैं ये चैलेंज खेलना चाहता हूँ। देखो इस चैलेंज के तो सिंपल से रूल है, जीतने पर तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। ये चैलेंज काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है, तुम्हें एक ही चांस दिया जाएगा, और एक ही चांस के अंदर तुम्हें ये सारा चैलेंज कंप्लीट करना होगा। सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है, अगर इस 10 मिनट के टाइम के अंदर तुम ये चैलेंज कंप्लीट कर देते हो तो तुम ही विनर होगे, और $1,00,000 तुम्हें ही दिया जाएगा। ओके फिर ये चैलेंज मैं खेल कर और जीत कर बताऊंगा। मुझे लगता है इस चैलेंज को ना मुझे चेस करना ही पड़ेगा। अरे बात बहुत बड़ी कर दी इसने। गाइस ये रही अपनी बाइक और
इस बाइक को मैं चूज कर लेता हूँ, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, रास्ता तो इतना हार्ड नहीं है। बाइक को भगाया और सीधा पहुंच चुका हूँ इन गाड़ियों के ऊपर। गाइस इन गाड़ियों के ऊपर से मुझे आगे जाना होगा। ओके गाड़ियां पार कर ली, अभी रास्ता तो ये छोटा सा रखा गया, यहाँ से गिराना तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। थोड़ा बाइक को भगाना होगा, इस गाड़ी के अंदर तो पावर ही नहीं है। गाइस ये कैसी बाइक दी गई है मुझे। ओके जल्दी से ना यहाँ से पहुंच चुका हूँ मैं लाइफ इन्वर्टर के बॉक्सेस के पास और सामने की तरफ चलते हैं। यार बाइक गलत चूज कर ली मैंने, थोड़ी स्पीड वाली बाइक चूज करनी चाहिए थी जिससे मैं तेज जा सकता, कहीं पर 10 मिनट ही ना गुजर जाए इस चैलेंज को खेलते खेलते। सिंपली गाइस आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि ये मैं चैलेंज कंप्लीट कर लूं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे व्हाइट शर्ट वाला फ्रैंकलिन ही असली है, और लगता है ना शिनचैन और किंग चैन चॉप को भी थोड़ा बहुत यकीन आ चुका है, लेकिन अब फायदा नहीं है क्योंकि सारी गेम मैंने उलट दी है। ओके बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले तो इस छत पर पहुंच चुका हूं, आगे भी कच्चा रास्ता है, वो भी खतरनाक। गाइस यहां से गिरा ना तो बहुत बुरी हालत होने वाली है और चैलेंज से सीधा लेमिनेट कर दिया जाऊंगा। ओके यहां से भी जाना होगा, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है और इससे भी पार करना होगा मुझे किसी तरह करके। बाइक तो जा रही है, अबे रुकना नहीं है गाइस ध्यान से। ओके ये वाला रास्ता भी पार कर लिया है, वे सामने की तरफ फिर से ना गाइस ये खतरनाक किस्म का ये छोटा रास्ता आ गया और लाइफ इन्वर्टर के बॉक्सेस भी रखे गए। अबे कर क्या रहा है ये गाइस, ये लाइफ इन्वर्टर के बॉक्सेस भी गिरा दिए। गाइस नीचे देखता हूं ना, थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा है लेकिन डर के आगे ही जीत है। जल्दी से भगाया यहां से रैंप की और गाइस सीधा हम लोग पहुंच चुके हैं इन फुटबालों के बीच में। फाइनली थैंक गॉड गाइस सामने की तरफ जाना होगा, मुझे लगता है सामने की तरफ गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर ही मुझे बैठना होगा। गाइस कौन सी गाड़ी चूज करे, मुझे लगता है ना एक ग्रीन वाली गाड़ी अपन लोगों को चूज कर लेनी चाहिए। ओके गाइस ये ग्रीन वाली गाड़ी चूज हो चुकी है, अब सामने की तरफ मैं तेजी से भगाऊंगा और मजा आ जाएगा गाइस। जल्दी से भगाना होगा और ये लोग देखते ही रह जाएंगे, 10 मिनट से पहले ही मैंने चैलेंज कंप्लीट कर लिया। गाइस सामने की तरफ वो देखो गाइस बसेस, इन बसेस के ऊपर गई सीधी अपनी गाड़ी। गाइस गाड़ी सेफली लैंड करा दी और इन ट्यूब के अंदर से जाना होगा। ओके यहाँ से भी गया और अब सामने की तरफ ये बोर्ड लगे हुए हैं, इन बोर्ड को भी तो तोड़ना है। ओके इनको भी तोड़ दिया, चलो भगाते हैं अपनी गाड़ी को गाइस। सीधा आगे की तरफ फिर से रैंप है, इस रैंप से जाना होगा और आगे टायर है। ओके क्या ही भगाए, गाड़ी अपनी हवा के अंदर है। गाइस सीधा मुझे वो सामने वाली ट्यूब के अंदर पहुंचना है। ओके जा रही हवा के अंदर और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ। गाइस गाइस बड़ा खतरनाक रास्ता था, पार कर लिया मैंने। आगे की तरफ फिर से ये छोटा मोटा रास्ता रखा गया है गाइस, इसी के ऊपर से मुझे जाना होगा। बड़ी तेज भगाई मैंने। ओके नीचे नहीं गिरना, कंट्रोल। ओके गाइस कंट्रोल कर लिया और यहाँ से सीधी जा रही है गाड़ी अपनी, जाने दो। ओके गाइस फिनिश पॉइंट पर मैं पहुंच चुका हूँ। गाइस ये सामने की तरफ $1,00,000 रे, जल्दी से उतर के ना इन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फाइनली गाइस मैंने कलेक्ट कर लिया इन पैसों को और मेरे अकाउंट में $1,00,000 आ चुके हैं। अब लगता है ना थेनोस का मुझे ना ऑनलाइन साइज स्टोर ओपन करके ना $1,00,000 का सूट बाय कर लेना चाहिए। ओके ओपन करता हूँ मैं। गाइस ओपन कर लिया, ये रहा $1,00,000 का सूट, करते हैं क्लिक एंड बाय। ओके गाइस मेरे ये सूट भी बाय कर लिया है, क्या ही अमेजिंग सूट है। अब यहाँ से जाना होगा, इस सूट के जरिए तो मैं किंग कॉन्ग को मार ही सकता हूँ। गाइस चलते हैं यहाँ से, क्या ही जंप की और मैं इस बीच के पास तो पहुंच चुका हूँ, बीच से भी आगे जाना होगा। यहाँ तो आस पास मुझे कोई भी किंग कॉन्ग नजर नहीं आ रहा। गाइस सिटी की तरफ मैं भाग कर पहुंच चुका हूँ, यहाँ भी नजर नहीं आ रहा मुझे। एक मिनट, ये क्या बड़ी बला है, कहीं पर यही तो नहीं गाइस किंग कॉन्ग? कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर यही किंग कॉन्ग है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो। बाप रे गाइस यही ये लगता है किंग कॉन्ग। ये कैसे हो सकता है, थानोस तुझे तो मैंने मार डाला था, तेरी सारी पावर इस किंग कॉन्ग ने ले ली थी, कोई भी सुपर हीरो मेरा मुकाबला भी नहीं कर पाया और सब भाग कर निकल गए। कितने डरपोक हो तुम लोग, अब लगता है ये फिर से थोड़ा बहुत अपग्रेड होकर आया किंग कॉन्ग से लड़ने के लिए। देख बच्चे यहाँ से भाग जा वरना मैं अपने पाँव से तुझे कुचल डालूंगा। तूने मेरी बॉडी तो देख ली है और तबाही भी, पूरा शहर खाली कर दिया मैंने। अब इसी तबाही की तो बात होगी, चारों तरफ सिर्फ लोग किंग कॉन्ग कहकर डर कर भाग रहे हैं। लेकिन अब भी मैंने और भी तबाही मचानी है, मेरी ये तबाही खत्म नहीं होगी कभी भी, क्योंकि तुम लोगों ने ही जंगल को जलाया है। तुम लोग ही जंगल में रहने वाले सारे जानवरों को मार भगाते हो और तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, अब मेरी तबाही होगी। बाकी गाइस लेकिन हम लोगों में से किसी ने किया है, लेकिन ये सबको मार रहा है, इसे रोकना तो पड़ेगा। ये लगता है जंगल को किसी ने आग लगाई है, ये वहीं से आया है। वैसे भी हम लोगों को जंगली एनिमल्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी भी फैमिली होती है। गाइस ये क्या, ये तो मेरे पीछे पड़ चुका है, ये तो छोड़ेगा नहीं, अब इसके अंदर काफी पावर है। थानोस के इस गोंडलेट के अंदर भी पावर है, क्या ही जोरदार से मैं बिजलियां गिरा रहा हूं गाइस इस पर, ये तो गिरता ही जा रहा है। ओके जैसे जैसे मैं
गिरा रहा हूँ ना, मुझे एक एक लाख डॉलर मिल रहे हैं। ओके, काफी मजा आ रहा है, अब बचेगा नहीं तू। गाइस फिर से आ रहा है, फिर से इसे मैं मार करना भगा रहा हूँ, ये फिर से पीछे चला जाता है। आने दो क्या ही जोरदार फेंक रहा हूँ मैं इसे, अब ये उठ नहीं पाएगा। अबे क्या हुआ, उठ के आना। गाइस एक मिनट, मेरे पास तो पूरे ना 1 मिलियन डॉलर हो चुके हैं। मुझे लगता है मुझे यहाँ से भाग कर निकलना होगा, अपने इस सूट को अपग्रेड करना होगा, तभी मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा। रुक जा, भागता कहाँ पर है डरपोक, मुझे लगता है तू डर चुका मुझसे। गाइस इसे पता नहीं मैं डरा नहीं हूँ, मैं सूट को अपग्रेड करने के लिए जा रहा हूँ। अब गाइस मैं इस जगह पर तो पहुंच चुका हूँ, टाइम काफी ज्यादा शॉर्ट है अपने पास। गाइस ये ओपन कर लेते हैं, थानोस का ऑनलाइन साइज स्टोर ओपन कर लिया मैंने। ये रहा 1 मिलियन डॉलर का सूट, करते हैं क्लिक एंड बाय। ओके गाइस ये सूट भी मैंने बाय कर लिया, ये सबसे ज्यादा पावरफुल सूट नजर आ रहा है मुझे थानोस का। लेकिन गाइस अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी खत्म कर लिया मुझे किंग कॉन्ग को मारने के बाद, अब जाना पड़ेगा सिटी की तरफ। ओके भाग कर तो आ चुका हूँ, ये कहाँ पर छुपा बैठा है किंग कॉन्ग। अरे भागा तो तू था, तू छुप कर बैठा था, मैं तेरे सामने ही हूँ। गाइस ये सामने की तरफ आ चुका है, अभी क्या उठाकर फेंका मुझे इसने। गाइस अपनी पावर शो करनी पड़ेगी, अब मैं इसे बताता हूँ कि मेरे पास कितनी पावर है। ये खतरनाक किस्म की पावर ले। गाइस ये क्या, ये तो सामने की तरफ लेट चुका है, क्या हुआ इसे, ये तो मर चुका है मुझे लगता है। नहीं नहीं अबे ये तो एक्टिंग कर रहा है। तेरी ऐसी की तैसी, ये ले काफी खतरनाक किस्म की है बिजली। गाइस ये स्ट्राइक जैसे इस पर पड़ेगी ना इसकी बुरी हालत हो जाएगी, ये गॉन्टलेट की इन्फिनिटी स्टोन की स्ट्राइक है। गाइस मैं चुटकी मार के तो इसे खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं। जैसे इसने तबाही मचाई, जैसे इसने लोगों को मारा, ऐसे ही मैं मारूंगा इसे। ये क्या, मैं इसके पास ही नहीं जा पा रहा, इसके पास ये कैसी शक्ति आ चुकी है, तो बहुत पावरफुल बन चुका है। पावरफुल तो मैं बनूंगा ही, आप देखा गाइस कैसे जोरदार मारा मैंने इसे, और ये सांपने की तरह मर चुका है, ये पड़ा हुआ है। ओके गाइस इसका काम तमाम। अबे उठना, अब क्या हुआ, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वाकई में गाइस आप पावर देख ली ना आप लोगों ने थानोस की, थानोस के सूट के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। गाइस गाड़ी भी मैंने काफी जोर से इसे मारी थी, फिर भी ये उठा नहीं, लगता है मर चुका है। अब मुझे जाना होगा, इसकी लाश पहुंच जाएगी गाइस जहाँ से ये आया था, या इसकी लाश को दरिया में फेंक देंगे ताकि वेल खा जाए। चलते हैं गाइस, अभी शिनचैन किंग चैन और चोप भी मेरा वेट कर रहे होंगे, और थानोस को भी पता चल चुका होगा कि उसके सारे सूट मैंने बाय कर लिया है। तो गाइस जाना होगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय।